हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, मैं राजवीर चौधरी, जनरल मैनेजर चन्नी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड से। और आज मैं अपने होटल में आने वाले गेस्टों के लिए एक और वीलॉग बनाने जा रहा हूँ। ये वीलॉग है गुलाबगढ़ का, और एक्चुअली इट्स सिमिलर टू चौकीदानी। मैं चौकीदानी की बुराई नहीं कर रहा, बट मैं उसकी अच्छाई भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को वहाँ पर एक बार सर्विस ख़राब मिली थी। और मैं गुलाबगढ़ अभी तक विजिट नहीं किया हूँ, तो इस बार आज रात में अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे कुछ गुजरात के फ्रेंड्स आए हुए हैं, उनके साथ मैं अभी गुलाबगढ़ के लिए निकलूँगा। तो वो रेडी हो रहे हैं, तो वो रेडी होके आते हैं, फिर अभी हम लोग निकलते हैं। और ये गुलाबगढ़ जो है, इसका पूरा रूट जो है कि आपको मानसरोवर होकर के जाना पड़ता है। ये हमारे होटल से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मानसरोवर के लिए हमारे उधर होटल से आप सीधा सामने देख रहे होंगे, वो सिंधी कैम मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से कंप्लीट कनेक्टिविटी है मानसरोवर तक के लिए। तो फिर वहाँ से आप ऑटो करके आराम से इजिली पहुँच सकते हैं, और लेट नाइट वहाँ पे इंजॉय करके 12-1 बजे तक वहाँ से आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुँच चुके हैं गुलाबगढ़, और ये है गुलाबगढ़ की पार्किंग। आप देख सकते हैं हमने गाड़ी अपनी वहाँ लगा दी है, पर गाड़ी लॉक नहीं की थी, अब करूँगा, गलती से भूल गया था। हाँ, गाड़ी होगी लॉक। और ये है गुलाबगढ़ का एंट्रेंस। तो ये गुलाबगढ़ की एंट्रेंस है। आया रसीला मारे जांगने, हाथा में घड़िया सोवे, हाथा रुमान सोवे, आया मिजाजी मारे जांगने, आया रसीला मारे जांगने, सतरगी सबको सोवे। ये है गुलाबगढ़ की एंट्रेंस रिसेप्शन, और यहाँ पे गणपति जी का एक मंदिर है प्यारा सा। जय गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। 2 to 8 PM एंजॉय पूल, यानी हम लोग लेट है। हाँ यार, इन्होंने रेट बढ़ा दिया फॉर एडल्ट, जीएसटी बढ़ा दिया। हाँ जैसी राखी भी बांधेंगे। जस्ट लाइक चौकीदानी, ये सिमिलर चौकीदानी के बनाए हुआ है, बट चौकीदानी का जो बिलिंग एरिया है जहाँ पे आप लोग टिकट लेते हैं, वो इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। हमने टिकट ले ली, हम 3 मेंबर्स हैं, तो हम लोगों को 2100 रुपये पड़े हैं। और ये एंट्रेंस है उधर से, इधर टिकट मिलेगी। और अभी हम लोगों ने एक एक्टिविटी चार्ट ले लिया है, एक्टिविटी चार्ट में इतना कुछ है। तो मैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ आने वाला हूँ भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी इसी में इंक्लूडेड है, 800 रुपीज़ में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अभी देखते हैं अंदर। भाई साहब सच बताओ, जिम जाके बनाई है ना? बॉडी नाश्ता वहाँ पे रहेगा आपका, ये वाले वो पीछे की साइड में देख रहे हैं, डिनर आपका बैठ से रहेगा। पंचे अपना 7 कूपन रहते हैं इसके अंदर, जिसमें येलो वाले रिफ्रेशमेंट, पिंक वाले एनिमल राइट, और 2 इसमें झूले हैं, एक है जैंट में लेके कोलंबस, ठीक है। यहाँ पे रहेगा आपका वेलकम ड्रिंक, सामने जो जय श्री कृष्णा लिखा हुआ वहाँ रहेगा आपका रिफ्रेशमेंट, जिसमें चाय पकौड़ी चौमिन पार। ये कितने एरिया में भी है ये? ये सर 8 बीघा में बना हुआ है। 8 बीघा में, ठीक है। डिनर आपका रिबिन से रहेगा, जो हाथ में रिबिन है मैं उससे आपका डिनर रहेगा। 6 बजे अपना खाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 11 बजे तक, लास्ट 11 बजे तक, 11 टाइमिंग है इसका, ठीक ठीक ओके। तो अभी हम लोगों ने अपने अपने कूपन्स ले लिए हम सब ने, और पहला पपेट शो हो गया। अरे भाई पैसे तो वसूल कर लो, वेलकम ड्रिंक लिया आपने? नहीं, वो तो वहाँ जाने के लिए। हाँ तो वेलकम ड्रिंक लेते हैं ना चल के, वहाँ जाके फिर आना है वेलकम ड्रिंक के लिए।
किसने बोला वेलकम ड्रिंक? मतलब पहले ये स्टार्ट मैं तो किस चीज की शरबत है? रूह अफ़ज़ा? वाह, 800 रुपए में रूह अफ़ज़ा की शरबत एज ए वेलकम ड्रिंक, बुरा नहीं है, अच्छा है, बुरा क्या, बढ़िया है। और हम भी स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही लेंगे। ये तो रूह अफ़ज़ा दे रहे हैं, हम नींबू पानी देंगे। जादूगर जादूगरी दिखा रहा है। वाह, सही बता रहा ग्रुप अभी देखते हैं। झूठ बोलेगा तो मारूंगा भी चले। तो गाइस कुछ गवैया आए थे, गाना गा रहे थे, तू है तो क्या चाहिए। तो जस्ट लाइक सिमिलर टू चौकी धानी, चौकी धानी का ये फार बेटर है। केरोसिन की वो आ रही है ना स्मेल, आ रही है गैसोलीन की। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे उठा तो ले धनुष, धनुष वहीं लगा के मार रहा है। क्या क्या दे तू रही? ये जिगर भाई, ये जिगर भाई, ये लगे 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 जिगर भाई, लगेगा लगेगा, करो करो ट्राई करो जिगर भाई, ये लगेगा लगेगा। मैंने मारा एकदम परफेक्ट निशाना। आप जिगर का दोबारा हम लोग ट्रायल देख रहे हैं। आप जिगर भाई, जिगर भाई, लगेगा लगेगा लगेगा। भाई उधर मारना, मेरे को नहीं मारना। अभी गन वाले में भीड़ लग गई है, हमारा तो कंप्लीट हो गया यार। कहाँ गए? हटा ना, अभी चलते हैं उधर को। वो देख, उधर बुलाओ उसको। आपने पहले ली शूटिंग? अच्छा हाँ, पहले वो करके आते हैं, बाद में नहीं, पहले करेंगे ना, पसीना पसीना हो जाएगा नहीं तो। फिर जो पानी है ना साफ सुथरी वीडियो, वो भी नहीं आएगी, पहले वही कर लेते हैं। भीड़ तो देखो यार, तो वो भीड़ तो खाली हो जाएगा देख। ओ इधर देख भाई, चश्मा चश्मा पकड़ के, चश्मा पकड़ के। हाँ शाबाश,
अबे क्यों गरीब आदमी से मांगा, बड़ी मुश्किल से 700 रुपए अरेंज करके आया हूँ मैं। चौकीदानी इट्स सो चीप यार, ये हम लोग 800 रुपये दे रहे हैं और वी आर गेटिंग दिस एज अ रिफ्रेशमेंट, तो ये काफ़ी चीप टाइप लग रहा है मेरे को तो, अगर हम एज कम्पेयर टू चौकीदानी करें। और इनका मैं आपको सेटअप दिखाऊं, इनका मैनेजमेंट भी ख़राब है काफ़ी और ये लोग उस तरीके से सेटल डाउन नहीं कर पा रहे, और इस तरीके से ये लोग सर्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, वी हैव अ लिटिल बिट कंफ्यूजन ओवर हियर, हम लोगों को तीन तीन कूपन मिले थे एंड वी हैड गिवन हिम द फर्स्ट चांस, ही हैड गिवन द टू कूपन्स बट ही हैड काउंटेड एज अ वन, तो यहाँ पे मेरे भाई साहब को बड़ा दुख हो रहा है, एक कूपन कम हो गया इनका। एज कम्पेयर टू सर्विस एंड काउंटिंग यहाँ पे थोड़ा काम हो गया चीप टाइप। भाई साहब अभी हम लोगों को पकौड़े मिले हैं, ये रहे पकौड़े, और अभी हम लोग चाय लेंगे उस जगह से, अपनी तीन चाय हम लोग कलेक्ट करेंगे, चाय पकौड़े। वी आर गेटिंग ऑल दिस इन 800, मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज सुने थे यहाँ के, 700 सॉरी वी है, हम लोगों ने जो टिकट कटवाए वो 700 रुपये की है पर पर्सन। अभी देखते हैं ये क्वांटिटी हम लोगों ने, ये पकौड़े किस चीज़ के भैया? दाल के पकौड़े, उड़द की दाल और मूंग की दाल के पकोड़े हैं ये, और ये पीस के बनाते हैं। गाइस 700 रुपए में ये रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, ये मूंग दाल के पकोड़े हैं उड़द के, और ये ठंडे और खाने के लायक नहीं है। कैसा था खाए इसको? मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट किया है और मुझे लगता है अब और खाना तो पेट दर्द हो रहा है, तो फेंक दो। I'm going to throw it in dustbin. This much of quantity. Completely waste. So, guys, मैं जा रहा हूँ अभी जिम पे बैठने, और अभी देखते हैं क्या मजा आएगा, ठीक है? एक्सपीरियंस लेगा मेरे को जो होगा उसके बाद ये जाएगा। हाँ ठीक है रमेश छोड़ो छोड़ो, काहे डर रहे हो? घोड़ी पे बैठे नहीं, ऐसे बैठो। अपना अपना सामान संभालना, सामान सामान संभालना। नहीं नहीं काम का नहीं, अपने नहीं 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 चल तू चल डर लागे। अरे मेरे बैठते ही टेढ़ा हो गया यार, ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ, ला दे मेरे को दे। अब जिगर रेडी हो रहा है जाने के लिए। चलो।
बाल बढ़िया जिगर। अबे यार तू पहले ही मत घुमा, वो अपनी सिंग घुसा देगा इसके अंदर कहीं पे। अभी तो घोड़ी पे बैठना बाकी है। पहले भैंसी पे बैठा रहे, चेक किया भैंसी है कि भैंसा है, चेक किया जिगर। ए भाई अब तेज घुमा, डबल स्पीड से घुमा, डबल स्पीड से घुमा। कैसा लगा जिगर? अरे जिगर बस के नीचे पकड़ रखनी पड़े जिगर, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। प्रहलाद जी आप क्या कर रहे हो? चलो आप नहीं, अब आपकी बारी है। दो बार एक्सपीरियंस कर लिया। नहीं कोई बात नहीं, तीसरी बार आप चलो। दो बार एक्सपीरियंस कर लिया। कैसा लगा जिगर? बहुत खतरनाक है यार। अब हम लोग जा रहे हैं कैमल राइड करने इस अंधेरे में। ओ मजा तो आ रहा है। ये बैक साइड एरिया है, लुक्स गुड। डीजे चलो अंदर। तो इसका एंट्रेंस उधर ही से था, पूछ लेते। हमें कुछ डीजे जैसा सुनाई दे रहा है। चलो अंदर पहले डिस्को में। पहले डिस्को? हाँ जिगर को डिस्को दिख रहा है। डीजे में डांस करके मजा आ गया। वाट लग गई है। अब स्विमिंग पूल एरिया आ रहे हैं। कपड़े तो लेकर के आए नहीं, पर आई शो हाउ इट इज लुक लाइक। वेरी ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल, वेरी ब्यूटीफुल। पूरा सेटअप है यहाँ पे खाने पीने का। चौकीदानी से एक चीज़ यहाँ पे बहुत बेटर है कि यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, आप 8 बजे से पहले इसको इंजॉय कर सकते हैं। लोग यहाँ पे बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। हमने डीजे था जिसकी वीडियो मैं इसमें ऐड करूँगा। डीजे में मैंने खूब मस्ती मारी, फैमिलीज भी थी, बहुत ही डिसेंट टाइप से वहाँ पे डांस हो रहा था, कोई लफड़ेबाजी नहीं है, बाउंसर्स भी रहते हैं वहाँ पे। बहुत बढ़िया, मज़ा आया अपने को, बहुत इंजॉय किया। ये 2 चीज़ें वर्थ है यहाँ पर। ये एक सेपरेट सेक्शन था जिसे हम लोग छोड़ के अब जा रहे हैं, ये चौकीदानी में नहीं है। तो अगर ये सर्विस एड ऑन हो जाती है तो चौकीदानी सबको पीछे छोड़ देगा। दिस इज़ अ यूनिक थिंग जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है पूरे जयपुर में। अभी उधर से ही आ रहे हैं ना डीजे पार्टी करके, अब हम लोग जा रहे हैं कैमल राइड के लिए, वो देख सकते हैं आप। दोस्तों एक्टिविटीज़ करके मैं तो थक गया, और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, मैं जिगर और प्रहलाद जी। वहाँ पे सब लोग बैंड कटवाते हैं, हम लोगों ने वहाँ पे बैंड कटवा लिया है उस एरिया में। आप देख रहे हो पेड़ है, और फिर शूज़ उतार करके हम लोग हैंड वॉश करने जा रहे हैं। हैंड वॉश करके फिर हम लोग डिनर के लिए प्रस्थान करेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर वाले पार्ट के अंदर। यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं? पनीर लबाला, कड़ी चोरी, आलू प्याज, दाल पसंदी, जीरा राइस, चिकन पाटी, तवा रोटी, मिर्ची रोटी। ओके, तो टोटल 14 क्वालिटी क्वांटिटी यहाँ पे मिलती है टाइप के आइटम व्यंजन्स, व्यंजन। This is the setup.
गाइस, यहाँ पे जो भालियों का सेटअप है ये इन लोगों ने पहले से लगा के रखा हुआ है, और इसमें कीड़े भी मैंने देखे उड़ते हुए, तो ये खाना मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो नहीं है, तो मैं तो नहीं खाने वाला। सब लोग यहाँ पे इस खाने को खा रहे हैं, मैं यहाँ पे केवल पानी पीऊँगा और निकल जाऊँगा, क्योंकि ये खाना मेरे को उतना हेल्दी नहीं लग रहा। ये उड़ रहे हैं, यहाँ पे मच्छर भी काट रहे हैं और कोई प्रॉपर केयर नहीं है, यहाँ बगल बगल में मच्छर उड़ रहे हैं। हाँ अरे यार बहुत मच्छर है भाई, किधर दो तीन बार उठा दिया, मच्छर बहुत है भाई यहाँ पे। कहाँ बैठ जाए, छाछ वहीं रख दो। मच्छर बहुत है यार, मेरे टांग में आ गई है मोच। भाई वहां पे मच्छर काट रहे थे इसलिए हम लोग दूसरी जगह उठ के बैठ रहे हैं। बोल रहे हैं कि गुलामगढ़ में शाकाहारी मच्छर है। अरे टांग तो फोल्ड हो जा। यार मेरी जीन्स इतनी टाइट है, क्या करूं। मैं तो डिनर नहीं कर पाया, एक्चुअली जो पकोड़े खा लिए वो मेरे को हानि कर गए थे। अभी थोड़ी देर में जिगर और ये सब भी एग्जिट करेंगे अंदर से बाहर, तो फिर हम लोग निकलते हैं अपने होटल की तरफ। तो अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, हम लोगों ने डिनर कर लिया। डिनर मैंने किया ही नहीं, मगर जिगर अगर लगे बहुत अच्छे से किया, ये फीडबैक देंगे डिनर का। तो अगर आपको एग्जिट करना है तो शिकारा ये रहा, ये वॉशरूम के बगल से होते हैं। हम लोग ठीक उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने चेक इन किया था, और अब हम लोग आगे, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। मज़ा आया, ठीक था जिगर भाई। 10 आउट ऑफ कितना दोगे आप इसको? 10 आउट ऑफ 750 साढ़े सात। अच्छा ठीक है, मेरे को तो डिनर एकदम पसंद नहीं आया जिगर भाई। आपको ठीक था? मतलब जिगर भाई को ठीक ठाक लगा, क्योंकि थोड़ा गुजराती टेस्ट उसमें आ रहा था इसीलिए। तो गुजराती भाई लोगन आप लोग यहाँ आ सकते हो, मगर बिहारी भाई लोगन आप ही लोग यहाँ नहीं आ सकते। फाइनली हमारा ये गुलाबगढ़ वाला ट्रिप कंप्लीट हुआ। मेरी हालत हो गई है ख़राब, अब जा रहा हूँ मैं सोने।